इस वक्त हम भीमताल में और भीमताल में हम आए हैं कुमाऊनी खाने की तलाश करते हुए, यानी आज हम आपको दिखाएंगे ऑथेंटिक पहाड़ी खाना। सामने ऊपर जो आपको हट दिख रही है वो एक कैफ़े है जिसका नाम है कुमाऊनी फार्म कैफ़े। इस पॉइंट पर जहाँ भी हम हैं यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद एक छोटा सा हमें ट्रैक लेना होगा, यानी हमें पैदल पहाड़ चढ़ते हुए उस कैफ़े तक पहुँचना होगा और फिर वहाँ जाकर हम ट्राई करेंगे आज ऑथेंटिक कुमाऊनी फूड। ये ट्रैक पूरा करके जाना है आपको, वहाँ पहुँचना है। अब व्यू देखिए दोस्तों, हेलो हाय, बढ़िया। आप ही कमल जी हैं? अच्छा। और ट्रैक कर फाइनली हम कैफे पहुंच चुके हैं। क्या दिलकश नज़ारा है, इस नज़ारे को देखकर सारी ट्रैक की थकन ही उतर गई। और ये है कैफे का मेन एंट्रेंस, ये डाइनिंग एरिया है जहां आपको पहाड़ी खाना सर्व किया जाएगा। आइए आपको मिलाते हैं कैफे के मैनेजर कमल जी से। हेलो कमल जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। कमल जी, ये जो कुमाऊनी फार्म कैफे है इसको कितना टाइम हो गया शुरू हुए हुए? कुमाऊनी फार्म कैफे पिछले 4 साल से मतलब अपना रन कर रहा है। अच्छा, मैं हमारा पिछले 10 साल पुराना है। अच्छा जी। अच्छा, तो आप यहाँ पर किस चीज के लिए मशहूर है कुमाऊनी फार्म कैफे, यहाँ क्या मिलता है? हमारे कुमाऊनी फार्म कैफे बेसिकली अपना फेमस है हमारा कुमाऊनी, अपना जो ऑथेंटिक फूड है उसके लिए। अच्छा, कुमाऊनी ऑथेंटिक फूड। अच्छा, तो कुछ बताइए क्या क्या मिलता है यहाँ पर कुमाऊनी फूड में? बेसिकली हमारा अपना एक थाली प्रॉपर कुमाऊनी, अपना वेजिटेरियन अनलिमिटेड थाली होता है। अच्छा, तो अपना पूरा अपना 12-14 आइटम हो जाते हैं कुमाऊनी सारे। अच्छा, अपना टोटल कुमाऊनी। अच्छा, और उसमें क्या क्या है? उसमें लिक्विड में हो जाए, जैसे दो अपना एक पालक का कापा होता है, एक कुमाऊनी दाल हो गई, 5 प्रकार की सब्जियां होती है उसमें। उस सब्जियां भी सीजनल सब्जियां, मतलब उस सीजन के ऊपर जिस हिसाब से सब्जियों का सीजन होगा उसी हिसाब से अपने। अच्छा, सब्जियां अवेलेबल होगी। अच्छा, कुमाऊनी खीरे का रहता हो तो अपना होगा उसी में, एक अपना बड़ील कुमाऊनी कबाब, हरी चटनी हो गई और अपना भांग का चटनी हो गया, एक घी हम देते हैं जो अपना घर का घी होता है हमारा। अच्छा, राइस हो गया, रेड राइस, रोटियाँ होती है 2 प्रकार के इसमें। अच्छा, एक अपना नॉर्मल रोटी, एक मड़वा बेसिकली जो रागी रोटी, और एक अपना डेजर्ट में खीर होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या चार्जेस हैं अपना? हमारे पर पर्सन 900 रुपीज़ पर पर्सन के साथ, पर पर्सन 900 इंक्लूडेड टैक्स 900 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि टाइमिंग्स क्या रहती हैं इसकी? टाइम हमारा बेसिकली अपना 12 to 4 होता है, और वीकेंड में हमारा 12 to अपना 4, 5, 6 अपना, क्योंकि जिस हिसाब से अपना लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसमें पहले से आपको कॉल करके रिजर्वेशन कराना पड़ता है या वॉक इन? अपना अगर प्रीवियस डे आपका रिजर्वेशन होगा, क्योंकि हम फूड वॉक इन है नहीं। अच्छा, फूड बना के मतलब वो फ्रेश फूड बनेगा। जी। तो एक बार थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कैसे रिजर्वेशन करा सकते हैं वो? जी, हमारे उसमें अपना ऑनलाइन में द कुमाऊनी फार्म कैफे करके आप उसमें हमारा रजिस्टर नंबर, 2-3 रजिस्टर नंबर है, नंबर पर कॉल करके आप अपना रिजर्वेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जिसको रिजर्वेशन कराना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स दे दूंगा कहाँ कॉल करना है। और ये जो है 12 to 4 ओपन रहता है, 900 रुपीज़ पर पर्सन है। शुक्रिया कमल जी, अब हम आपका खाना ट्राई करेंगे। तो अब क्या किचन की तरफ लेके जाना है हमें? ये आपने किचन है ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक। अच्छा, तो आप सारी चीज़ें यहाँ बनाते हैं? अच्छा, नमस्ते। तो यहाँ पर क्या 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 बनता है कुमाऊनी फूड में? कुमाऊनी फूड में हमारे से जैसे 4 प्रकार की सब्जियाँ हैं, ये गडेरी एक जो यैम, नहीं यैम जी, यैम और जिमीकंद जी फैमिली, वो दिखा आपको, होल भी दिखा देंगे। अच्छा ठीक है, वो हो गया अपना हरी, एक लाई का साग होता है। अच्छा, अब टिपिकल कुमाऊनी स्टाइल अपना आलू के गुटके हो गए, कापा और अपना मिक्स पहाड़ी दाल हो गई। अच्छा, ये भटकी चुड़कानी तो नहीं है आज, आपको अच्छा, पालक का कापा खिलाएंगे, पालक का एक दाल खिलाएंगे, गहत की मिक्स दाल, गहत सीमी। अच्छा, अपना जो मिक्स दाल है। अच्छा,
और भी अपना काफी सारी चीजें हैं। अच्छा अच्छा जी, ये अपना हल्दी है हमारा, ये आपका अपना अपने हल्दी है अपने फार्म का। अच्छा अच्छा, आइए किचन दिखाइए आप हमारे व्यूअर्स को। कमल जी जी, तो एक वो किचन है और एक ही किचन हमारा। अच्छा, ये प्रॉपर किचन है। तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? हीट जो अपना जो कर सकते हैं, ये अपना वो यैम जो मैं बोल रहा था ना। अच्छा, जिमी कंद, गडेरी गडेरी की सब्जी है। अच्छा, और ये क्या है? ये इसमें दाल बनाया मैंने। कौन सी दाल है ये? अपना बहुत अपना मिक्स अपना दाल जो अपना पहाड़ी दाल होता है। अच्छा, पहाड़ी दाल। ये जो अपना लुक लाइक राजमा ना, ये लिमा बीन सीमी बोलते हैं इसको, सीमी। अच्छा, ये गडेरी है। अच्छा, दिखाइए बस। अच्छा, ये गडेरी है तो इसकी सब्जी है ये। अच्छा ठीक है, अब ये इसको गरम करिए। और आपको एक बड़ी ला रहे हैं अभी, वो कुमाऊनी कबाब, उसका बनता है अपना मसूर, नहीं होता पहाड़ी। क्या क्या बनता है? पहाड़ी मसूर जो अपना काली मसूर। जी जी, आप आपकी लैंग्वेज में उसे मतलब वो बोलते हैं मसूर, काली मलका, काली मलका जी, काली मलका जी। उसको अपना पीस के ओवर नाइट सोक करके हमारा जो अपना बाहर जो सिलबट्टा है ना उसमें पीसते हैं। अच्छा जी, फिर अपना अपना बर्फी आकार रख के, तो ये उसका कबाब है। हाँ जी। अच्छा, आप क्या सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही मिलता है? नॉन वेज होता है, बट वो ऑप्शन क्योंकि आजकल। अच्छा, नॉन वेज क्योंकि नहीं, वेजिटेरियन ही ज्यादा होता है। जी ठीक बात है। तो ये कबाब इसके हैं जो आप हमें बता रहे हैं, मलका की दाल जो कही जाती है यहाँ पर। हाँ। अच्छा ठीक है, पीसी आपको अभी दिखा देंगे बाहर किसके ऊपर पीसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैन में गर्म होंगे। अब वो बहुत सारे फ्राई हुआ, आप उसको ट्राई करेंगे। हम अपना ये चटनियाँ हैं। अच्छा, चटनी दिखाइए। ये भांग, भांग जो अपना हैम, हाँ, के सीड्स, हैम के सीड्स नहीं होते हैं? जी जी, उसकी चटनी। अच्छा, भांग कौन सी नशे वाली भांग होती है, क्या होता है? एक्चुअली नहीं होता, मतलब भांग के सीड्स होते हैं। अच्छा, अगर उसको मतलब विदाउट रोस्ट करें अपना बनाए तो नशा होगा, अगर तो रोस्ट करके बनाते हैं तो रोस्ट करके बनाते तो नशा नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा, तो दीदी गर्म कर रही है इसका। ये ऑयल कौन सा यूज करते हैं आप? ये हम अपना, ये तो घी डालते। अच्छा, घी करते हैं, देसी घी। देसी हमारे अपना खुद का गाय है, खुद का गाय। अच्छा, गाय का देसी घी है ये? देसी घी है। दिखाइए। अरे वाह वाह, क्या बात है, वाह। अच्छा, ऐसी जगह पे मतलब आपको सब चीज असली मिलेगी, बिल्कुल असली, शहर से दूर, ऑथेंटिक मतलब, ऑथेंटिक मतलब, तो ऑथेंटिक कुमाऊनी फूड, पहाड़ी खाना। तो ये कबाब हमारे बन रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या आपने क्या बताया? दो चीजें दिखा दी आपने, कापा बता देते आप। बन रहा है, और क्या है दिखाइए? ये एक आलू के गुटके हैं। अच्छा, ये आलू के गुटके हैं, ठीक है। और ये रायता, ये रायता, इसमें क्या होता है? ये खीरे का, खीरे का। अच्छा, पहाड़ी खीरा नहीं होता है बड़ा? जी 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 जी, ये आम का होता है, ये अमचूर का सब्जी है, ये अमचूर का सब्जी है, आम है ये। खट्टा मीठा तीखा हो तो अभी आप जब वहाँ पर खाएंगे ना, ये गरम है। ये कद्दू, ये कद्दू, कद्दू जो फार्म फ्रेश कद्दू जो आपने वहाँ पर होल कद्दू देखा था ना। जी जी ठीक है। डॉगी सुल्तान नाम है इनका? हाय सुल्तान, क्या बात है। तो ये आप क्या बन रहा है यहाँ पर? ये तो अपना सर वो पालक का कापा। ये पालक का कापा कौन सा है? ये पालक का कापा है। अच्छा, और ये अपना वो लाई, लाई बेसिकली जो आप उसको सरसों बोलते हैं ना। जी जी, ये लाई, ये है अपना, लाई है। अच्छा, ये लाई की सब्जी है, लाई की सब्जी। अच्छा, ये कापा है, ये कापा और ये लाई की सब्जी, ठीक है। ये हमारा अपना मिक्सर ग्राइंडर। अच्छा अच्छा, देसी, बिल्कुल एकदम देसी। अच्छा, इसको सिलबट्टा भी कहते हैं, सिलबट्टा भी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और अच्छा, रोटियां यहां बनती हैं? रोटियां नीचे बनेंगी, रोटियां नीचे बनेंगी, रोटियां इनमें जाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या नाम है? दुर्गा। दुर्गा, तो कौन सी रोटी बना रही हैं आप? मैं रागी। अच्छा रागी, तो ये आटा अलग? मड़वा। अच्छा, ये मड़वा है और ये गेहूं की? अच्छा, रागी क्या होता है? रागी है, मड़वा होता है रागी। अच्छा अच्छा, तो ये पहाड़ी रोटी है। हाँ। देखा जाए तो पहाड़ी में हम मड़वा कहते हैं, पहाड़ी में मड़वा कहते हैं, ठीक है। ये सर अपना ये हरी चटनी है, धनिया पुदीना हरी मिर्च, ठीक है। अपना जो भी गैस में सब यहीं का, ये अपना भांग की चटनी है, ठीक है। ये अपना मस्टर्ड, एक कच्ची घानी सरसों का तेल है, ठीक है। एक अभी रायता आएगा, उसके लिए हमारे घर का गाय का घी है। अच्छा, ये गाय का घी है। ये बड़ी के साथ आप ये अपना स्टार्टर्स में ये हरी चटनी के साथ ट्राई करिए, ठीक है। इसको अपना कुमाऊनी कबाब भी बोलते हैं अपने बड़ी को, ठीक है। भांग की चटनी पे और ये तेल कौन सा है?
एक ये अपना आप ट्राई करेंगे, रायता देंगे ना अभी आपको, उसके ऊपर अगर आपको एक्स्ट्रा पंजिंग चाहिए, एक जो मतलब पहाड़ी रायते में नहीं होता, नाक में आना चाहिए वो वाला, बता दो क्या क्या है अपना जो कद्दू दिख रहा है आपको सामने, अपना रखा भी है हमने। अच्छा यही है जी, आपकी अपनी फार्म का ही है, की सब्जियाँ अपना मोर्स अपना आम की सब्जी होती है। अच्छा। ये अपना डिफिकल कुमाऊनी स्टाइल आलू के गुटके अंदर। अच्छा। ये गडेरी बोल, गडेरी जो अपना यैम नहीं होता, यैम जैसे अपना अरबी, अरबी इसी के फैमिली का है। अच्छा। गडेरी बोलते हैं। जिमिकन क्या? जिमिकन ना ना जी, उसी फैमिली का, उसी फैमिली का क्या है? ये अपना लाई जो आप सरसों बोलते हैं, ये अपना सरसों मतलब उसी पर लाई, उसी का लाई है। अच्छा, तो मंडवे की रोटी, ये अच्छा है आपका कबाब, कबाब अच्छा है। ये सिर्फ एक ही चीज है इसमें या और भी कुछ इसमें? ये तो ये अपना काफी सारे अपना घी में, एक तो मोस्ट में घी जाता है बहुत सारा, और अपना इसका मसाला गंदरेणी बोलते हैं, पहाड़ी मसाला होता है। ये क्या है? ये अपना जो मैं वो बोल नहीं रहा था आपको, मस्टर्ड ऑयल डालने की, आप इसमें कुछ ड्रॉप ऊपर से अपना ट्राई करिए। ये रायता है जी, ये एक पालक का कापा है। ये आपका अपना ही डेयरी भी अपनी है? डेयरी हमारा अपना गाय है, गाय है ना। ये एक पालक का कापा है, तो अपना पालक हमारा खेत का ही है, तो उसको बॉयल करते हैं पहले, फिर सिलबट्टे में पीसते हैं अपना एक पत्थर वाला जो होता। अच्छा। है फिर अपना लोहे की कढ़ाई में चढ़ता है। ये एक अमचूर का सब्जी है, ठीक है, खट्टा मीठा तीखा, बीच में कहीं पर उस पर लाल अपना मिर्ची होगा। ये एक पहाड़ी दाल है, इसको अपना मिक्स दाल बोलते हैं। ये अपना राजमा जैसा दिख रहा, राजमा नहीं है, सीमी बोलते हैं, सीमी गहत अपना बट सब मिक्स दाल है, बट भी है इसमें, काफी तीखा होता है, उतना स्पाइस नहीं होगा, क्योंकि हमारी चटनी में हम थोड़ा स्पाइस बढ़ा देते हैं, इसमें उतना स्पाइस नहीं होगा। ये अपना रागी रोटी, ठीक है, इसके ऊपर आप घी ना लगाएंगे, ये अभी जो बना रही थी वही है। घी, ये दोनों में घी है ना? ना ना, एक मस्टर्ड, जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये घी है, ये घी है। तो दोस्तों, खाना हो चुका है और खाना बहुत ही लजीज था, और अब वक्त हो चला है गर्मा गर्म प्याली चाय का। चाय को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? चाहा। चाय इसको कैसे कहेंगे? मैं चाय बना रही हूँ, उसको कैसे कहेंगे कुमाऊनी में? चाहा बनानी हूँ। चाहा बनानी हूँ। अच्छा, इसके पूछते क्या हाल है, तो पूछते की हाल है री? भल हाल है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कुमाऊनी फूड के साथ, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद आया, खाना बहुत ही डिलीशियस था। ये जो हम ट्रैक करके आए हैं इस कैफ़े में पहाड़ी खाना खाने, ये सच में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप सोचिए, आप पहाड़ों की गोद में बैठकर पहाड़ी खाना खा रहे हैं, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। शहर से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, कोई पॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ आप नेचर के बीच में बैठकर पहाड़ी खाने का आनंद ले रहे हैं, इसे बेहतरीन और क्या हो सकता है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के मैनेजर हैं, कमल जी हैं, यहाँ पर जो दुर्गा दीदी हैं जिन्होंने हमारे लिए खाना बनाया है, इनकी मेहमान नवाजी ने तो सच में इस एक्सपीरियंस में चार चांद लगा दिए हैं।